ओके व्यूअर, टुडे आई एम लर्न हाउ टू मेक ए बिल बुक ऑफ शॉप स्टोर। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं कि हम एक्सेल के अंदर शॉप मतलब कि दुकान के लिए एक बिल बुक कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें बिल बुक बनाने के लिए कुछ फार्मूला, कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए, जिसके थ्रू हम एक अच्छा सा बिल बुक क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो हम ऑलरेडी यहाँ देख रहे हैं कि कुछ रेगुलेशन बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम बिल बुक बनाते हैं। तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। इन द ए फर्स्ट रो यू गिव द नेम और टाइटल ऑफ बिल बुक, यानी कि वर्कशीट पर पहले रो में हम अपने बिल बुक के लिए एक टाइटल दे देते हैं। जैसे लाइक दिस, हमने अपने शॉप का कोई नाम रखा, वो नाम हम वर्कशीट के फर्स्ट रो में टाइप कर देंगे। तो ज्वाइन वन आर मोर सेल्स, सेलेक्ट ए रो एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर। हम अगर चाहते हैं कि एक से अधिक सेल एक साथ ज्वाइंट हो जाएं, तो उसके लिए होम मेन्यू में सेल को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर बटन को क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ यू कैन मेक कॉलम ऑफ सीरियल नंबर। हम एक सीरियल नंबर से कॉलम बनाते हैं जिसमें हम उन वस्तु का सीरियल नंबर टाइप करेंगे जो हम कस्टमर को देंगे। दूसरा होगा हमारा आइटम, तीसरा रेट, और चौथा क्वांटिटी, और पांचवा होगा प्राइस। यू कैन द फील द आइटम एज इन द गिवन टेबल, देन वी टाइप द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस, सो वी हैव प्राइस रेट इनटू क्वांटिटी। यानी कि हम अपने बिल बुक पे प्राइस को प्राप्त करने के लिए रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि रेट और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने के लिए हम वो सेल एड्रेस टाइप करेंगे जिस सेल में हमारी रेट होगी, और उसके बाद इनटू के साथ, इनटू का यहाँ ऑलरेडी एक हमने साइन दिया हुआ है, और क्वांटिटी का एड्रेस उस सेल का एड्रेस दे देंगे जिसमें हमने क्वांटिटी टाइप करी है। फिर आगे हम इसका एक प्रोजेक्ट वर्क देखते हैं, और प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे ऑलरेडी हमने यहाँ एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया है, ये हमारा एक बिल बुक का प्रोजेक्ट वर्क है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी पहले रो में हमने अपने बिल बुक का टाइटल सेट किया है, उसके नीचे हमने डेट, किस डेट में हमारी बिल इशू हो रही है, यहाँ बिल नंबर, और हम कस्टमर के नेम से बिल इशू कर रहे हैं, तो ऑलरेडी एक रो हमारा कस्टमर नेम का होगा। और फिर हम अपने बिल पे एक सीरियल के लिए कॉलम बनाएंगे, फिर एक आइटम का बनाएंगे, और फिर एक रेट का बनाएंगे, और रेट के बाद एक क्वांटिटी का होगा, और क्वांटिटी के बाद एक प्राइस का होगा, और प्राइस के बाद नीचे जो हमारी टोटल अमाउंट होगी उसके लिए भी हमें एक रो की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट में सीरियल नंबर दे देते हैं, सेकंड में आइटम, और उसके बाद रेट दे देते हैं, उसके बाद क्वांटिटी, और उसके बाद प्राइस। और ऑलरेडी यहाँ देखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा फर्स्ट सीरियल नंबर है, इसमें द जो इसकी रेट है वो पर पीस 20 रुपीस है, और क्वांटिटी इनकी मात्रा जो है 125। तो हमने ऑलरेडी यहाँ इक्वल टू के साथ C5 बोलो तो ये रेट, और D5 मीन्स क्वांटिटी, जिस सेल में रेट है उसका एड्रेस, और इनटू के साथ जिसमें हमारी क्वांटिटी है उसका एड्रेस हमने टाइप किया है। इस तरह से जो ही हम इंटर प्रेस करेंगे, हम पाएंगे यहाँ हमारी वैल्यू शो करने लगती है।
बट कस्टमर को हमें टोटल बिल, टोटल अमाउंट देना है। उसके लिए प्राइस वाले एरिया में सबसे निचले सेल में हम जाएंगे, इक्वल टू सम E5 यहाँ लिया गया है, यानी कि फर्स्ट जो हमारी आइटम है उसकी प्राइस E5 में है, और सेमी कॉलन लास्ट वाली सेल का, मतलब लास्ट वाली जैसे डिटॉल का टोटल वैल्यू हमारा किस में है, E9 में है, तो लास्ट वाले सेल का एड्रेस यहाँ E9। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ बिल बुक पे जितने वस्तु तो हमने कस्टमर को दे रखे हैं उसका टोटल वैल्यू शो करने लगता है। और उसी तरह से हम नीचे देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमने एक मेथड दे रखा है जिसमें कुछ सजेशन हमने टाइप किए हुए हैं। अब सपोज दैट हम ये चाहते हैं कि हम प्रत्येक सेलों में फार्मूला का प्रयोग न करें, तो वर्कशीट पे पूरे सेल पे अगर फार्मूला का प्रयोग नहीं करना होता है तो हम पहले किसी सेल में फार्मूला का प्रयोग कर लेते हैं, और जो ही हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी देखेंगे कि सेल पॉइंटर में यहाँ इस वाले भाग में एक फील हैंडल होता है। यहाँ जब हम माउस पॉइंटर को ओवर करते हैं, तो जब हम यहाँ माउस पॉइंटर को ओवर करेंगे तो हमारे पॉइंटर की फेस वैल्यू प्लस साइन में बदल जाएगी, और लेफ्ट बटन को दबाए हुए हम यहाँ तक ड्रैग करेंगे उसको, यहाँ तक, यानी कि जो एरिया बिजी है उसके अलावा एक ब्लैंक सेल तक हम ले जाएंगे। और हम जब यहाँ पॉइंटर को छोड़ेंगे हम पाएंगे कि टोटल जो सेल बिजी है सब में वैल्यू ऑलरेडी फिल हो गई रहती है। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे बिल बुक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सुझाव। मुझे उम्मीद है आपको मेरा सुझाव पसंद आएगा। बाय बाय।